हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दक्षिण के स्वाद में आप सबका स्वागत है। एक बार फिर आ गई हूँ नए स्वाद के साथ। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ आंध्रा की फेमस फिल्टर कॉफी। तो नए अंदाज में बताऊंगी आपको, क्योंकि आप कॉफी के शौकीन हैं, तो ये अच्छी सी फिल्टर कॉफी आपके लिए है। आप कोई भी अच्छी कंपनी की कॉफी पाउडर ले लीजिएगा, इंस्टेंट कॉफी नहीं। हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, मैं फिल्टर कॉफी ही बताऊंगी, वो भी बगैर फिल्टर के। आपको आज मैं तीन तरीके बताऊंगी, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप उसके हिसाब से बना लीजिएगा। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कहाँ क्या डाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम छन्नी में 2 चम्मच, हाँ दोस्तों ये चाय की छन्नी है, मैंने इसमें 2 चम्मच कॉफी का पाउडर डाला है और इसको बाजू में रख लिया है। मैंने छोटे से ग्लास में पानी लिया है जो लगभग 150 ml है, और 2 टेबल स्पून मैंने कॉफी का पाउडर लिया है इस कॉफी को अभी बनाने के लिए। हाँ तो देखिए पानी में उबाल आ गया है अब, और मैंने इसके ऊपर स्ट्रेनर रख दिया है कॉफी के साथ। हम 2 मिनट के लिए छन्नी को पानी में रख के वैसे ही उबालेंगे। देखिए डिकॉशन अभी बना है लेकिन ये पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा। देखिए डिकॉशन तो बन गया है लेकिन अभी हम इसको कॉफी नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें अभी भी उसमें थोड़ा कॉफी का पाउडर बचा है, वो अपने मुंह में आके पूरा कॉफी का स्वाद खराब कर देता है। हम इस छोटे से बर्तन में उस कॉफी को डाल के उसके ऊपर ढक्कन लगा के सेट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए ये कॉफी का पाउडर जो भुरभुरा है, आप शॉप में जब जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग कॉफी करके लीजिएगा, मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर है, ये दोनों तरह से काम करता है, करंट रहे तो भी और ना रहे तो भी। ये मैंने इसमें 6 चम्मच कॉफी का पाउडर डाला है, कॉफी मेकर में रखेंगे। देखिए ये पानी डालने का हिस्सा है इस कॉफी फिल्टर का, मैंने इसमें 200 ml पानी डाल दिया है और मशीन चालू कर दीजिए। 10 मिनट में आपको फिल्टर कॉफी तैयार मिल जाएगी। नीचे कलेक्ट हो जाता है पूरा फिल्टर कॉफी, देखिए कैसे एक एक बूंद पानी नीचे गिर रहा है। हमने जुगाड़ नंबर पहले का जो डिकॉशन निकाला था, ये वो डिकॉशन है। ये सबसे पुराना तरीके का जुगाड़ है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। पहले बड़े बड़े डेक्चियों में पहले ऐसा ही डाला जाता था, पर अभी तो डेक्ची नहीं है। मैंने कटोरी को पहले छोटे सा धोती का टुकड़ा लिया है, आपके पास जो सूती का कपड़ा हो वो ले लीजिएगा। मैंने 2 टेबलस्पून कॉफी पाउडर इसके ऊपर डाल दिया है और 150 ml वाटर लिया। देखिए मैं पानी को अभी अच्छे से उबाल लूंगी। हम उबलते हुए पानी को कॉफी के उस बर्तन में डालेंगे जिसके ऊपर कपड़े को रखा था। पानी डालने के बाद ढक्कन जरूर लगाइएगा, उस ढक्कन के ऊपर इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके रख दीजिए ताकि कपड़ा नीचे ना रहे। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहने के लिए देखता है ना, तो कॉफी में जो पानी डाला है हमने वो नीचे बहने के लिए देखेगा और पूरा डिकॉशन जमीन पे चला जाएगा। देखिए डिकॉशन हमारा तैयार हो गया है, एकदम स्ट्रांग बना है। और अच्छे से इसको निचोड़ लीजिएगा, इसमें बहुत सारा कॉफी रह जाता है। हाथों से अच्छे से मसल के पूरा स्ट्रांग निकाल लीजिए। हमने सभी बर्तनों को आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए ये पहला बर्तन है जिसमें से मैंने अभी डिकॉशन निकाला जो कपड़े वाला था, देखिए उसमें से कितना कम पत्ती बाहर आया है जिससे हमने कपड़े में छाना था। सभी दंग रह जाएंगे कि बिना फिल्टर के भी इतना अच्छा कॉफी कैसे निकल गया है। तुरंत कॉफी के ऊपर ढक्कन लगा लीजिएगा, वरना उसका जो फ्लेवर रहता है वो पूरा निकल जाता है बाहर। चलिए दोस्तों अब देखिए ये छन्नी वाला है, अब इसको दिखाती हूँ। देखिए ये भी सेम कैसे बना, वैसे ही आया है ना डिकॉशन, देखा ना छन्नी वाले में से कितना सारा पत्ती बाहर आया है। ये मुंह में आने से बिल्कुल स्वाद खराब हो जाएगा, इसको फेंक दीजिए। हाँ तो चलिए अब हमारी मेहनत रंग लाई है, अब हम कॉफी बनाना शुरू करते हैं। देखिए हाँ तो पहले दोस्तों सबसे पहले आप बर्तन में दूध ले लीजिएगा जिसमें आप कॉफी बनाना चाहते हैं, और उसे आप गैस पर रख लीजिए। जैसे ही दूध उबाल में आ जाए आप उसके ऊपर तुरंत कॉफी का डिकॉशन डालिए, पहले थोड़ा सा डालिएगा और आवश्यकता अनुसार फिर डालिए। हाँ थोड़ा और स्ट्रांग चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा और डिकॉशन मिलाया है, मुझे स्ट्रांग कॉफी पीने का मन किया तो मैंने आपसे बात करते करते स्ट्रांग कॉफी बना लिया है। कॉफी के गर्म होते तक थोड़ा सा मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है सुबह से ही, और मौसम बहुत ही सुहाना है, और नारियल के पेड़ मस्ती में झूम रहे हैं। देखिए अरे बातों ही बातों में कॉफी तैयार हो गई। चलिए अब कॉफी सर्व करते हैं, पहले से छान लीजिएगा, नहीं तो कहीं कहीं थोड़ा मलाई रह जाता है, किसी किसी को मलाई पसंद नहीं रहती है ना, तो इसलिए अब आप इसको कम से कम 2-3 बार ऐसे ही ग्लास में झाग बनाइए। कॉफी का असली मजा जब झाग जितना अच्छा आता है ना, तो उतना अच्छा कॉफी का मजा। हाँ तो आप कॉफी का झाग बनाते रहिए, मैं तब तक के आपसे बात कर लेती हूँ। का ये है कि हम जो कॉफी पाउडर बच जाता है डिकॉशन निकालने के बाद, तो उसको फेंका मत करिए। आप स्क्रब बाथ स्क्रब बना सकते हैं, या फिर हेना के लिए उसको एक बार फिर उबाल के उसमें से डिकॉशन निकाल लीजिए तो हेना के लिए हो जाता है। हाँ मैं भूल गई, इसमें मैंने शक्कर नहीं डाला है, अगर आपको चाहिए तो आप शक्कर डाल लीजिएगा, मुझे कड़वी कॉफी पसंद है। हाँ तो ये मेरी वाली कॉफ़ी और आपकी, आप बनाइए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर ना पसंद आए तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।